पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार थी बाबरा शरीफ साहिबा, तो उनके साथ आपकी बड़ी हिट फिल्में प्यार का वादा, आई थिंक शबाना तो बहुत बड़ी हिट है, उनके साथ आपने क्यों इनकार कर दिया काम करने से? उनके साथ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी वो, उनके साथ मैंने इनकार इसलिए किया बल्कि मेरी अपनी फिल्म जो थी तोहफा के नाम से, उसमें 2-3 दिन का काम था, मैंने वो भी बंद कर दी। क्यों? वो इसलिए बंद कर दी कि उनकी मेरी केमिस्ट्री बननी नहीं थी, एक तो बात ये थी। अच्छा, जो मेंटली है, बाकी जो फिल्में मैंने की जो चल रही थी, 5-7 फिल्में थी जो चल रही थी, वो मैंने ख़त्म की उनके साथ। तो मैडम शमीवारा ने बहुत, क्यों नहीं केमिस्ट्री बन रही, क्यों आपने? आई थिंक सो के वो चूँकि उनकी मेरी अलहदगी हो चुकी थी, डिवोर्स हो चुकी थी, और उसके अंदर मैं नहीं चाहता था कि मैं मतलब होना नहीं था, आई डोंट थिंक सो, इसलिए मैंने काम नहीं किया उनके साथ। एंड हो गया, उसके बाद कभी आपने उनके साथ काम नहीं किया? नेवर एवर। अच्छा, वैसे कैसी आर्टिस्ट थी? बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी बाबरा शरीफ जो है। तो आपकी बेसिकली जो शादी हुई वो फिल्म इंडस्ट्री में जाने से पहले हुई, जो आपकी रियल मैरिज कौन सी है? क्योंकि आपकी शादियों के हवाले से जो है बड़ा मामा है, मैं खुद कितना कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरी रियल मैरिज जो है वो आपकी मामा के साथ। अच्छा। वो ऐसे हुआ कि ये हम स्कूल में पढ़ते थे, बड़ी शी वॉज वेरी लर्नड गर्ल, और इन्होंने सिनेमा कैम्ब्रिज किया फर्स्ट क्लास से। आप एक ही स्कूल से हैं? हम एक ही स्कूल से, कैथेड्रल स्कूल से, लेकिन हमारी साइड दूसरी थी। ये आपसे सीनियर, आप सीनियर थे? नहीं नहीं, मैं सीनियर था ऑब्वियसली, ये जूनियर थी, और ये हमने बाकायदा ये सैयदजादी थी और बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने अपना बड़ी मुश्किल से ये शादी हुई, क्योंकि ये सैयद थे, मैं राजपूत था, तो ये बाकायदा प्रपोज़ल। आपकी तरफ से कौन लेके गया प्रपोज़ल? मेरी सिस्टर थी, मेरे फादर थे, तो ये बड़ी मुश्किल से मैरिज हुई, और हम तो नालायक स्टूडेंट थे, ये तो प्लसेस में आती थी नज़ा शाहिद, और वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, बल्कि आपको तो उन्होंने पाला ही पाला, सही, बल्कि उन्होंने मुझे भी पाला। अच्छा। यस। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिलना चाहिए बेसिकली। उनको जितनी पढ़ाई की और जितनी आप लोगों ने पढ़ाई की और बच्चों ने पढ़ाई की, वो सब क्रेडिट जो है वो मुनज़ा हो जाता है।